Oh, I think wonderful. Anybody reach on final, you just say how wonderfully they played. Not one name, it's the team. I always believe in the team. Yes. Team have done wonderfully well. Under the Rohit's captaincy, they done extremely well. मूसलाधार बारिश से दिल्ली एनसीआर का हाल बुरा हो गया है। हर जगह सड़कों पर पानी भर गया है। तेज बारिश के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल वन की छत का एक हिस्सा गिर गया है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और इनका इलाज चल रहा है। टर्मिनल वन पर छत गिरने से व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि जिनकी फ्लाइट रद्द हुई है उनको पूरा रिफंड दिया जाएगा या ऑल्टरनेट फ्लाइट की जाएगी। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की सड़कें पानी से लबालब हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। मानो सड़क से लेकर रेल और मेट्रो से लेकर फ्लाइट तक की रफ्तार धीमी हो गई है। पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई है और कई इलाकों में सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। बाढ़ जैसे हालात भी लग रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन बारिश के होने की भी संभावना है। IMD ने 2 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स MCD इरिगेशन फ्लड PWD साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड तमाम अधिकारी सभी डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। देखिए अभी हम यहाँ पर ITPO पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी अभी हो सकता है अभी किशनगंज है वहां पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं। साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है। बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़ी है। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो है जो कंस्ट्रक्शन है जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए जो है सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। बड़ी अफसोसनाक बात है ये और हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ कैसे हुआ इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। देखिए G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया, अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है, तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी।